आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस डिफरेंशियल इक्वेशंस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसके बारे में। सो इन द लैपलेस इक्वेशन द जनरल फॉर्म ऑफ लैपलेस इक्वेशन इज डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। सो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स डेल स्क्वायर दैट इज लैपलेसियन ऑपरेटर कैन बी रिटन एज डू स्क्वायर डू एक्स स्क्वायर प्लस टू डू वाई स्क्वायर प्लस डू स्क्वायर डू जेड स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज इन द दिस फॉर्म इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। नाउ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सो लैपलेस इक्वेशन टेक्स द फॉर्म, लैपलेस इक्वेशन का जो फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा अगर फाई के साथ यहाँ पे हम लोग इसको ऑपरेट कराते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे सभी टर्म के साथ यहाँ पे फाई का टर्म यहाँ पे यूज होगा। सो इक्वेशन हमारा हो जाएगा डू स्क्वायर फाई डू एक्स स्क्वायर प्लस डू स्क्वायर फाई बाई डू वाई स्क्वायर प्लस डू स्क्वायर फाई बाई डू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इट इज यूजुअली पॉसिबल टू सीक सॉल्यूशन ऑफ विच विल सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड बाउंड्री कंडीशन इन ए गिवन प्रॉब्लम बाई ए मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मैथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ एंड z कोऑर्डिनेट को z के साथ रिमूव करते हैं या फिर सेपरेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड आर कॉल्ड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो वी अज्यूम दैट द सॉल्यूशन ऑफ फाई दिस इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज फाई एक्स वाई जेड, x कैपिटल y कैपिटल z, वेयर कैपिटल x इज द फंक्शन ऑफ x अलोन, कैपिटल y इज द फंक्शन ऑफ y अलोन, कैपिटल z is the function of z alone. Now substituting the values, above values in equation, in the above equation, that is Laplace equation, we get do y by yz, do x by do x square. These are the partial differential equation. So ye solution aap log jante hain kaise solve hoga. So yz do x by do x square, zx do y by do y square plus zxy do z by do x square is equal to zero. फिर भी एक सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला ये जो टर्म है ये वाला, इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं, डू स्क्वायर बाय डू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे फाई के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। ये हम लोग फर्स्ट वाला टर्म सॉल्व कर रहे हैं, जैसे बाकी टर्म भी हो जाएंगे। तो चूंकि ये x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, y और z यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा y z कांस्टेंट है बाहर निकल गया, डू स्क्वायर कैपिटल x डिवाइडेड बाय डू x स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इस तरह से, इस तरह से सेकेंड टर्म में भी z और x कांस्टेंट हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे और y के रिस्पेक्ट में डो y बाई डो वाई स्क्वायर। इन द थर्ड टर्म z के रिस्पेक्ट में x और y कांस्टेंट हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे और एक्स वाई डो टू जेड बाई डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ना सभी टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड से, मतलब यहां पर भी एक्स वाई जेड होगा, यहां पर भी एक्स वाई जेड होगा एंड यहां पर भी हमारा एक्स वाई जेड होगा। सभी टर्म्स को हम लोग एक्स वाई जेड से डिवाइड कर रहे हैं। सो यहां से हम लोग देखें तो वाई जेड कैंसिल हो जाएंगे, जेड एक्स एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स और एक्स वाई और वाई कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा यहाँ पे वन बाई एक्स डो टू एक्स बाई डू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वाई डो टू वाई बाई डू वाई स्क्वायर प्लस वन बाई जेड डो टू जेड बाई डो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नाउ we will see that the second and the third terms are independent of x. Second term जो है और third term है, यहाँ पे x का कोई term नहीं है, इसमें x का term है, इसमें y का term है, इसमें z का term है। So the second and the third terms are independent of x and since the sum of three terms is zero, then the first term must also be independent of x. First term जो भी है वो भी independent of x होना चाहिए, it is therefore a constant value. और सभी को हम लोग किससे equate करेंगे, एक constant value से equate करेंगे। Similarly the other two terms are separately constant in value, so
सभी को हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर, सेकेंड टर्म को माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर एंड थर्ड टर्म को हम लोग गामा स्क्वायर से इक्वेट कर रहे हैं. वेयर अल्फा बीटा गामा आर मस्ट बी सच दैट माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब ये यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा माइनस और गामा प्लस क्यों आया, सो ये कन्वीनियंस फॉर्म है कि इक्वेशंस के फॉर्म जो है वो अलग अलग ना हो, क्योंकि इसके पहले हम देखेंगे जब फॉर्म हम लोग लेंगे तो काफी इजिली तरीके से इसके वैल्यूज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं. सो हियर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर. नाउ फॉर द फर्स्ट टर्म दैट इज द इक्वेशन के फर्स्ट फॉर्म में हमारा जो वैल्यू है ये वाला, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 1 by x, do x square by do x square, इसको constant minus of alpha square से इसको equate किये थे, so 1 by x, do 2x by do x square is equal to minus of alpha square. Now, do 2x by do x square is equal to minus of alpha square into capital X, so ये term इधर आएगा, तो ये हो जाएगा do 2x by do x square plus alpha square x is equal to 0. This is a very simple and common differential equation. Whose solution is given by इस तरह का एक differential equation है, second order differential equation, जिसका generally solution जो होता है ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है x is equal to a1 e to the power i alpha x plus b1 e to the power i alpha x. ठीक है, इसको हम लोग तो चाहे linear differential equation से भी solve करते थे, जैसे हम लोग solve करते आ रहे थे d square plus alpha square, अगर x को यहाँ पे बाहर ले लें is equal to 0, तो complementary function, क्योंकि यहाँ पे particular integral तो निकलेगा नहीं, तो complementary function जब find करने जाएंगे तो यही हमारा equation इस तरह से होता था. अब हम लोग जानते हैं e to the power i theta is equal to होता है cos theta plus i sin theta, so इसका value जब यहाँ पे put करेंगे तो इस तरह से ये एक value आए. Here all a's and b's are the constant to be determined by the boundary condition in the specific condition. उसी तरह से जब सेकेंड वाले प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब 1 बाई वाई डो टू वाई वाई डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेम टर्म है, सिर्फ अल्फा के जगह बीटा, एक्स के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो सेम यही इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे वाई इज इक्वल टू ए टू कॉस बीटा वाई प्लस बी टू साइन बीटा वाई. अब ये थर्ड वाला टर्म जो है, चूंकि इसमें हमारा प्लस ऑफ गामा स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ये हम लोग लिखेंगे 1 बाई जेड डो टू जेड बाई डो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू है यहाँ पे प्लस ऑफ गामा स्क्वायर, तो यहाँ पे जो टर्म होगा वो माइनस के फॉर्म में होगा. जेड इज इक्वल टू ए थ्री टू द पावर गामा जेड प्लस बी थ्री टू द पावर माइनस गामा जेड, या फिर इसको लिख सकते हैं ए टू कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड प्लस बी टू साइन हाइपरबोलिक गामा जेड. सर ये तीनों सोल्यूशन, तो हम लोग सोल्यूशन क्या लिए थे, अल्फा इज इक्वल टू लिए थे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ये हम लोग सोल्यूशन लिए थे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से. सो कैपिटल एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, कैपिटल वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, कैपिटल जेड का वैल्यू जो हम लोग फाइंड किए उसको यहाँ पुट कर दिए. सो ये हो गया हमारा लैप्लास इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ इसका एप्लीकेशंस क्या है इसको हम लोग देखेंगे. सो एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ होलो रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ फाइव साइड्स एट जीरो पोटेंशियल व्हाइल द सिक्स्थ फेज जेड इज इक्वल टू सी हैज पोटेंशियल वी नॉट. तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे, सो सिंस देयर आर नो फ्री चार्ज इनसाइड द बॉक्स, क्योंकि एक भी कंडक्टर या होलो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर फ्री चार्ज हमारा नहीं है, वी हैव द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द बॉक्स एज ए सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन. लैप्लास इक्वेशन से हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के किसी भी कोऑर्डिनेट में अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया. So potential can be find using the Laplace equation solution, that is V x y z is equal to a1 cos alpha x plus b2 sin alpha x, b1 sin alpha x plus into a2 cos beta y plus b2 sin beta y, or third wala term jisme hyperbolic function hote hain a3 cos hyperbolic gamma z plus b3 sin hyperbolic gamma z, where ye hum log pehle dekh chuke hain ki gamma square is equal to alpha square plus बीटा स्क्वायर.
ठीक है। तो सिंस v इज इक्वल टू जीरो एट द ओरिजिन, ओरिजिन अगर हम लोग एक बॉक्स ले रहे हैं, तो इस यहां पे अगर हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, यहां पे अगर हम y एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, यहां पे x एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, और यहां पे सॉरी x और यहां पे z एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली यहां पे जीरो है, तो v इज इक्वल टू जीरो होगा ओरिजिन पे। यहां पे हमारा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों जीरो होगा, सो x y z भी जीरो होगा। तो एक एक करके सबको इक्वेट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए वन कॉस अल्फा एक्स प्लस बी वन साइन अल्फा एक्स था, तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे जीरो, तो जीरो यहाँ पुट किया, यहाँ जीरो पुट किया, एक्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो है। सो हम लोग देख लिए कि ए वन इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, ठीक है। उसी तरह से x इज इक्वल टू बी, तो ए वन का वैल्यू जब जीरो हो गया तो x का वैल्यू जो था वो क्या हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू हमारा क्या था ए वन कॉस अल्फा एक्स प्लस बी वन साइन अल्फा एक्स, तो ए वन का टर्म मेरा जीरो हो गया। सो ए वन का टर्म अगर जीरो हो गया तो बचा मेरे पास क्या, x इज इक्वल टू बी वन साइन अल्फा एक्स, सॉरी यहां अल्फा एक्स होगा, सो x इज इक्वल टू बी वन साइन अल्फा एक्स हो गया। सो x इज प्रोपोर्शनल टू बी वन, तो कॉन्स्टेंट है हमारे लिए, तो x इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा एक्स। इसी तरह से हम सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं y इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा x, और z वाले केस में तो हाइपरबोलिक कंडीशन होगा, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा x। अब तीनों टर्म को अगर हम मिक्स कर दें और प्रोडक्ट ले लें, तो एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड किसके बराबर है, पोटेंशियल के बराबर है। सो v इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा x साइन बीटा x साइन हाइपरबोलिक गामा z। नाउ अगेन जब हम लोग x इज इक्वल टू a पे जाएंगे, x इज इक्वल टू ए, अभी तो हम लोग यहां पे थे बॉक्स पे, अब यहां पे अगर आएंगे तो यहां पे x इज इक्वल टू ए होगा, v इज इक्वल टू जीरो होगा, वॉट एवर विद द वैल्यू ऑफ y एंड z वी हैव, सो x इज इक्वल टू ए पुट कर दिए, तो ये जो इक्वेशन था हमारा यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे a, सो x अल्फा ए साइन अल्फा ए साइन बीटा वाई साइन हाइपरबोलिक गामा z इज इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म्स तो हमारे जीरो नहीं होंगे, यही टर्म हमारा जीरो होगा, तो साइन अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो। साइन अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है अल्फा ए इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज एन इंटीजर, तो इस केस में अल्फा इज इक्वल टू हो गया एन पाई डिवाइडेड बाई। उसी तरह से अगर हम बी पे पॉइंट पे जाएं, तो उस केस में वाई इज इक्वल टू बी होगा, वी इज इक्वल टू जीरो होगा, उस केस में जैसे अल्फा इज इक्वल टू एन पाई बाई ए निकालें, उस तरह से बीटा इज इक्वल टू आएगा, एक तो इंटीजर हम लोग एन ले चुके हैं, तो दूसरा इंटीजर लेंगे बीटा इज इक्वल टू एम पाई बाई बी, where m is a another integer, so gamma, since gamma is equal to root over alpha square plus beta square, alpha का value हम लोगों ने निकाला है n pi by a, और beta का value निकाल रहा है m pi by b, दोनों का value यहाँ put कर देंगे, तो ये निकलेगा हमारा n square a square plus m square b square into n, that is s pi, ठीक है, ये हमारा pi है, so s pi, where s is the root over, इस क्वांटिटी का हम लोगों ने क्या मान लिया है s, so where s is the root over n square by a square plus m square by b square, here m and n are the integers but s is not an integer, therefore there are many possible solution of v corresponding to different values of m and n, so the general solution of v will be the summation of all these values, तो all these values पे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग साइन n pi by a लिए, जो x निकाले थे उस पर वैल्यू पुट कर दिए, साइन m पाई y बाई b पुट कर दिए, साइन हाइपरबोलिक s पाई z ले लिए, v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, समीशन वैल्यू 1 to n 1 to n, एट z इज इक्वल टू c v इज इक्वल टू क्या है v नॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो z इज इक्वल टू c पे v नॉट का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा v नॉट, सो v नॉट समीशन 1 to m 1 to n, a यहाँ पे m हम लोग कर लेते हैं ताकि डिस्टिंग्विश रहे, एक समेशन m के लिए दूसरा समेशन n के लिए, ए एन एम साइन पाई एक्स बाई ए साइन m पाई y बाई b साइन हाइपरबोलिक s पाई c, वेयर z इज इक्वल टू c दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट किया, z की जगह पे क्या पुट कर दिया, c पुट कर दिया। Obviously ए एन एम इज द फूरियर कोफिशियंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन, ए एन एम क्या है, यह फूरियर कोफिशियंट है,
ऑफ द पीरियोडिसिटी ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड द वाई रिस्पेक्टिवली. सो द बाय द फ्यूरियस ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एम एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय ए बी साइन हाइपरबोलिक साइन पाई 0 टू ए 0 टू बी साइन एन पाई एक्स साइन एम पाई वाई dx dy. इस तरह से वैल्यू हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं. सो फाइनली द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द बॉक्स इज इक्वल टू vxyz समेशन 1 टू n 1 टू m anm sin n pi x by a sin m pi y by b sin hyperbolic s pi z where as the root over n square pi a square plus m square by b square. So it is the one of the application of Laplace differential equation in rectangular coordinate system where box is in the form of a square or in a rectangle. We generally use it in the electrostatic or magnetism problem. So in the next video we will see about the solution of Laplace differential equation in rectangular and cylindrical coordinate system.